हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए ये सेशन आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ नज़र आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महावीर द्वारा जोड़ा गया जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत था। तो आपको बताना है कौन सा सिद्धांत था। तो जो ये महावीर थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनके द्वारा एक ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था जिसका नाम है ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर द्वारा जोड़ा गया था ये। इससे पहले थे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, और उसके बाद में था ये ब्रह्मचार्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागलपुरम शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसने नागलपुरम शहर की स्थापना की थी। तो जो कृष्णदेव राय थे वो कुलुप वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, जो ये शहर बसाया गया था नागलपुरम, ये कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया था। इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट इसका राइट आंसर है, फर्स्ट। ठीक है, तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था, जो कि कुलुप वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, जो जो कि ये बनाया गया था इनकी माता जी की याद में बनाया गया था, जिनका नाम था नगला देवी। ठीक है, तो उनके नाम पर ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये लेक है, एग्जाम में पूछी गई है, जैसे कि मैंने डेट पा रखी है एसएससी में, सीएसएल में क्वेश्चन पूछा गया 17 मार्च में। ठीक है, वो शिफ्ट के 17 मार्च में जो कुछ आ रखे थे सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो उमिया झील है ये स्थित है मेघालय में, जो कि शिलोंग शहर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक बांधा द्वीप है, जो भारत में निम्नलिखित राज्यों में से है। तो किसके पास में है ये आपको बताना है। श्रीहरिकोटा, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो ये श्रीहरिकोटा जो बांग्ला खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। ठीक है, तो ये ऐसा द्वीप है जिसमें इसरो के सारे जितने भी परीक्षण होते हैं, ठीक है, सारे वहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी वहीं पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमुर नदी। ठीक है, तो ये आमुर जो नदी है ये रूस और चीन के बीच में बॉर्डर बनाती है, जो कि करीबन 2824 किलोमीटर लंबी है। 2824 किलोमीटर इतनी लेंथ है इसकी। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। लीची का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा इसका, एरिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल
इक्का रोग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। और इस बीमारी को मूंगफली का लीफ स्टॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पत्तियों पर पत्ती के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक जो चर्बी को संग्रहित करता है उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। उसे वसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शराब और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कौन सा प्रोसीजर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आसवन। ये एक प्रक्रिया है जिससे कि अलग किया जा सकता है शराब और पानी के मिश्रण को। ठीक है, मिक्सचर होगा जो पहले से मिला चुके होंगे, उसके बाद में अलग किया जाएगा, तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे, वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में अनुष्टांग कवि थे। ठीक है, तो बाणभट्ट थे प्रमुख कार्यों में शामिल रहते थे। हर्षवर्धन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है, तो किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिससे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है, तो क्या चीज़ होता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। ठीक है, जो कि है थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो 2019 का मैन बुकर राष्ट्रीय अवार्ड जिसको गया था उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट आंसर हो जाएगा जोखा अल हर्थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है, तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा डिजिटाइजर। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो
चार ऑप्शन दे रखे हैं ब्लड ग्रुप ये, इनमें से आपको बताना है किसको सर्वग्रही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ए बी प्लस ब्लड ग्रुप को। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इसे नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल से है ये। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में, ठीक है। ये पहला सत्याग्रह था जो कि गांधी जी को, सॉरी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि 1915 में गांधी जी आ गए थे, उसके बाद में पूरे देश का सर्वे किया था, उसके बाद में फिर इनका पहला ये सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो तब तक थे मुख्य चुनाव अधि सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोमिन, ये एक अच्छा चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था, तो ये कौन से नंबर के हैं ये आपको बताना है। तो ये 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय को। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।